क्यों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने एक और नई जो है जानकारी लेकर हाजिर हूं। आज आप नई एक जानकारी जानेंगे जिसमें जानेंगे कि हमारे बौद्ध विश्वविद्यालय कहां कहां पे थे और कौन कौन से वंश में जो है वो थे, कौन कौन सा वंश चलता था, उसमें शिक्षा कौन कौन से दी जाती थी और वो कहां कहां पर स्थित हैं, ये जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहला जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो बड़गांव बिहार में था और उसके संस्थापक जो थे वो कुमार गुप्त थे, वो गुप्त वंश के शासक थे और शिक्षा जो दी जाती थी वो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। दूसरे थे वल्लभी विश्वविद्यालय जो था भावनगर गुजरात में था और भट्टकार्य थे, वो मैत्रक वंश के थे, वो था 475 से 500 ईस्वी तक का, वहाँ पर हीनयान शिक्षा दी जाती थी। और ओदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में था जो बिहार में है, गोपाल जो संस्थापक थे उसके 750 से 810 ईस्वी में दौरान पूरा हुआ और वो पाल वंश के संस्थापक थे और वहाँ पे महायान शिक्षा दी जाती थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अचिंत कंगाव यानी जो अतिम बिहार में है, वो धर्मपाल वहाँ पे थे 770 से 810 ईस्वी तक, वहाँ उनके जो संस्था वहाँ पे जो वंश चलता था वो पाल वंश चलता था और वज्रयान शिक्षा दी जाती थी। सोमपुरा विश्वविद्यालय नवगांव बांग्लादेश में था और जगदल विश्वविद्यालय वो राजशाही बांग्लादेश में था और रामपाल यानी जो उसके संस्थापक थे 1082 से लेकर 1124 ईस्वी तक पाल वंश और तत्रयान शिक्षा दी जाती थी। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस जानकारी को जो है जानकारी हासिल करें और आपको ये पता चलेगा कि बौद्ध विश्वविद्यालय कहां कहां थे। आज हमने जो बौद्ध विश्वविद्यालय आपको बताए हैं उनकी संख्या 6 मैंने बताई है और उसके संस्थापक कौन कौन से थे और वहाँ पर कौन कौन सी शिक्षाएँ दी जाती थी, ये सारी बातें मैंने आपको आज जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और अगर और कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।